Welcome to Cut Movie Reviews. My name is Arpit. My name is Prakar. And we review this movie from cut to cut. And today we are going to bring 10 things which you can only see in Gaurang Da's movies. समझ में नहीं आया? इनको शायद ये दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा. तुम्हें अपराध से लड़ना है तो वर्दी का गुलाम बनकर नहीं, सुल्तान बनकर लड़ना होगा. जी हाँ, मिथुन दा की बात हो रही है. एंड ही वर्चुअली रूल्ड 80s बिकॉज ही वॉज विदाउट फर्दर ड्यू. लेट्स स्टार्ट नंबर 10. अब मिथुन दा की बात हो ही रही है तो हम उनकी एंट्री कैसे मिस कर सकते हैं. 80s के टाइम दो ही ऐसे लोग थे जिनका चेहरा नहीं दिखाया जाता था. पहले तो थे मनोज कुमार जो बहुत बड़े देशभक्त थे, और दूसरे मिथुन दा. इसको मानना है. उनकी एंट्री हमेशा से जोरदार रही है. और काफी देर तक उनका चेहरा नहीं दिखाते थे. कौन है तू? कौन है? नंबर 9, अपीयरेंस. अब मिथुन दा है तो उनकी अपीयरेंस नॉर्मल होगी नहीं. कैसे कैसे कपड़े पहनते थे वो? अब हमने रिसर्च की और ये कोशिश किया कि हम ये जाने कि 80s में उन्हें वो कपड़े पहनाए कैसे जाते थे. तो चलते हैं 80s के सेट के पीछे और जानते हैं कि मिथुन दा कैसे राजी होते थे वो कपड़े पहनने के लिए. अरे दादा, नहीं होगा मेरे से. इतना ढीला टी शर्ट दिया है, ये जा ही नहीं रहा यार. ये लूज है एकदम. कहा नहीं जा रहा है टी शर्ट यार. ये आस्तीन या साला हाथ के आधे तक आ रहा है यार. अरे तो मेमो छोटा है, वो स्कूल जाएगा कि नहीं? यार मेमो का वास्ता ये बहुत बार देते हो आप लोग यार. ठीक है चलो पहन लेता हूँ. छोटू साले जाओ यहाँ से. मैं नहीं पहनूंगा. अब नहीं हुआ ये क्या बार बार कर रहे हो यार तुम लोग? ये डायरेक्टर को 10 बार बोला ढीला नहीं चाहिए. ये कलर क्या है? ये क्या है यार? ये क्या गोलू गोलू है? क्या है ये? अरे कहा हो गया मिथुन? अरे शंकर 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 कहा हो गया यार? ये क्या है यार? ये अभी चीता का ड्रेस, तुम त्रिशूल क्या क्या देते हो मुझे यार. ये बोलते तलवार पीछे रख लो. रुको रुको रुको. हाई बताओ पिक्चर का नाम कहा है? चीता. तो अरे तू चीता का ड्रेस पहनना जरूरी है? पिक्चर में ऑडियंस मांग रही है यार चीता. ये ऑडियंस मरवाएगी. ऑडियंस नहीं, मेमो स्कूल जाएगा यार. फिर ठीक है चलो यार कर लेते हैं. नंबर 8, उनकी बात हो रही है अपीयरेंस की हो गई, एंट्री की हो गई, तो उनकी फाइट टेक्निक कैसे भूल सकता है कोई? फाइट टेक्निक ऐसी कि जान ही चली जाए. उनकी एक टेक्निक में ऐसा था कि हम लोग छोटे थे यार उस समय और हम लोग को बहुत मजा आता था, लेकिन आज सोचते हैं कि यार ये बंदे ने क्या कर दिया. पहली टेक्निक थी जिसमें वो वर्चुअली यार चीता बन गए थे. यार चीता बन बन के उन्होंने कहा जंगलों में जाके ट्रेनिंग ली. गुंडों की तो शामत आ गई. सबसे एपिक था उनका शेरा वाला मूव, ऐसे कर करके आग फोड़ के आदमी मार देते यार. किसी की आग फोड़ दो अंधा होता है. हर चीजों में उनकी एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता था. अरे वो शेरा हो चाहे वो चीता हो चाहे जो उनका
ऐसे जरूर आएगा, कुछ एक म्यूजिक जरूर आएगा जो मिथुन दा की तरफ आपको तुरंत खींच देगा भाई। नंबर 7, यूसेज ऑफ लेग्स। नॉर्मली इंसान यूज करता है अपने पैरों को चलने के लिए, दौड़ने के लिए, लेकिन मिथुन दा है, उनकी मूवीज हैं, वो यूज करते हैं लोगों को मारने के लिए, और कैसे कैसे कि वो रुकते ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मारने के अलावा वो पैर से हर काम कर सकते हैं। यार क्या बात कर रहे हो, वो बैलेंस कर लेते हैं, बच्चा बैलेंस कर लेते हैं पैर से, कोई आदमी उनको मार रहा है तो वो हाथ से बैलेंस कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, पैर से कोई आदमी गन चला सकता है। नंबर 6, ब्रेकिंग थिंग्स। अब भाई इतना रुद्र रूप है तो कुछ ना कुछ तो उनका प्रकोप पड़ेगा ना, चीजें टूटेंगी। और पता नहीं कहां से कभी भी किसी को मारते थे और वो टेबल आ जाता था। कभी किसी को किक कर रहे हैं वो छत पे पहुंच जाता था। वो क्या तोड़ेंगे किसी को नहीं पता। नंबर 5, अमेजिंग स्टंट्स। मिथुन दा की मूवी है, एक्शन है, तो वो अलग होगा, दुनिया से अलग होगा। वो कैसे कैसे मारते थे वो आप मूवी देखोगे, आपको क्लिप्स दिखाएंगे, बहुत सी चीजें तो हमने एडिट भी नहीं की हैं, वो स्ट्रेट यहां पे है। और वो उछल के, यार कभी कभी तो लगता था नीचे आएंगे नहीं इस मूवी में, वो उछल के बस निकल गया अगला। पहला सीन कैसे बोल सकते हैं हम लोग। ओह, ये सीन आप देखिए, इसमें मिथुन दा गाड़ी चला के आ रहे हैं और लोग उन पे बम फेंक रहे हैं, वो गाड़ी से कूद जाते हैं, वो भी हवा में है, एक बंदा पता नहीं कहां से दूर से वो बाइक चलाते हुए आ रहा है, दूध ब्रेड खरीद के आया है। पता नहीं यार, उस बंदे को ये नहीं पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, 5 मिनट के बाद वो शायद मर जाए, ये नहीं पता उसको। Well, मिथुन चक्रवर्ती अभी हवा में ही थे, वो उसकी गाड़ी पे बाइक पे छलांग मार के बैठ जाते हैं और जबरन जबरदस्ती की गई यार। मतलब आप कार से या जीप से जो भी है उससे, यार आप कूद के किसी की बाइक पे बैठ रहे हो, लिफ्ट मांग लो ना उतर के, नहीं वो हवा से ही कूदेंगे। लेकिन इसमें दिखाया गया है अब एक्शन की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने नोटिस की मूवीज में, मिथुन चक्रवर्ती पता नहीं क्या क्या रखते थे पीछे। हाँ।
उनका हाथ अगर यूं गया तो ये मत सोचे वो अंगड़ाई ले रहे हो, यहाँ से तलवार निकाल रहे यार, वो तलवार निकाल देते थे, वो तलवार खुरपी फरसा ना पेचिस जो मिला वो निकाल के, क्या पता भगोना निकाल के चाय बना देगी। नंबर फोर, इफेक्ट ऑन को एक्टर्स। अब मिथुन दा इतनी बड़ी चीज है तो उनके को एक्टर्स पे भी फर्क पड़ेगा ही, उनका मैं भी पता नहीं उनका जो भी केमिकल रिएक्शन होता होगा दूसरा अपने ऊपर ले लेता था। तो इनके साथ जितनी भी लेडीज काम करती थी वो भी मारती थी और हमें नहीं लगता वो रुकने का नाम लेती थी। वो रुकती नहीं थी। वो सही में नहीं रुकती थी। वो बिल्कुल भी नहीं रुकती थी। नंबर थ्री, नो बुलेट्स कैन किल मिथुन दा। ये अगर नंगा होकर भी गरम तवे पर बैठ जाए तो इसकी बात का यकीन मत करना। लोग पता नहीं कौन कौन सी गने यूज करते थे, AK-47 मशीन गन। लोग बचते हैं, लोग दूर भागते हैं, बच के निकलना चाहते हैं, डॉच करना चाहते हैं, लेकिन मिथुन दा उनके मुंह पे कूद जाते थे। AK-47 से बचना नामुमकिन है, नहीं बच सकते हो। मिथुन दा तो उनके लिए हलवा हलवा। उनके एंगल भी अजीब अजीब होते थे, तो वो कैसे कूदते थे ऐसे सीन लगते हैं लिटरली कि गोलियों के ऊपर से चल के गया है। हाँ, वो कहां कहां से बचते थे। कैसे कैसे बचते थे और क्यों क्यों बचते थे। नंबर टू, मिथुन दा का डांस। वो तो जाने ही जाते थे डिस्को डांस, उनके स्टेप्स। और ये क्या है, मिथुन दा की आवाज। अरे उनकी थोड़ी अलग आवाज, तो ऐसी आवाज है। कैसी है और ये आवाज की क्या बात करें हम। और वो जो गाना गा रहा है बंदा, ये दिल वालों की मस्ती, क्या गाना है यार, मतलब कैसे गा सकता है कोई ऐसे यार। लेडीज के टाइम पे दो दा लोग थे, एक बप्पी दा, एक मिथुन दा। जनरली चीजों के आगे दा लगता है लेकिन इनके बाद दा लगता था। नंबर वन, लॉज ऑफ फिजिक्स वर्सेस मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, क्या बोले हम इसके बारे में यार। वो लॉज मिथुन जी के लिए नहीं बोल सकते, नहीं उनके लिए कोई लॉ एप्लीकेबल। वो कहाँ कूदते थे। किस पे कूदते थे, किसके कंधों पे पैर रखते थे, किसके मुंह पे पैर रखते थे। लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ फोर्स और कुछ, मतलब कुछ भी नहीं यार। अब हम क्या बात करें, गुंडे भी ऐसे ऐसे, वो कहां से उड़ के आते हैं, वो कभी नॉर्मल एंट्री ही नहीं। हर मूवी में उड़ के आता है वो बंदा। और मिथुन दा वो कभी किसी को नॉर्मल मौत देते ही नहीं थे। जला जाग उठा है। अब
सबको पता चलेगा कि गैंग वॉर स्टार्ट होने वाला है। लाशें इस तरह से टपकेगी, टप टप, वो कभी कार्टव्हील करके आ रहे हैं, कभी आंखें फोड़ दे रहे हैं। और लोग तलवार चलाते हैं तो तलवार को हाथ में पकड़ के चलाते हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती अलग थे। दोस्तों आपके सामने पेश है बिना वेट वाले विलन्स। पुनीत इस सर ने लिटरली एक सीन में मिथुन दा के साथ यही किया, उन्हीं का लोन पे ही कुरकुरे की तरह हवा में फेंक दिया। आप किसी को मारेंगे तो आप जितना भी आसपास का सामान है वो यूज कर लेंगे, ये मिथुन जी ने हमें सिखाया है। उनका कोई अंदाजा नहीं था, वो किसी भी चीज से मार सकते थे। सबसे बड़ी बात है कोई भी खाना खा रहा है वो खाना फेंक देंगे तो भाई कैसे बोलिए खाना फेंक दिया, अरे मिट्टी फेंक दी, पैर से पत्थर फेंक दिया। बात हम एक्शन की कर रहे थे, एंट्रीज की कर रहे थे, हम स्क्रिप्ट की क्या बात करें। एक मूवी है लोहा जिसमें शक्ति कपूर का रोल एक मुसलमान का है। बहुत बड़ा विलन था शक्ति कपूर एक टाइम पे, और पता नहीं लास्ट सीन में देशभक्त बहुत बन गया, उसके हाथ नहीं उस मूवी में, एक पर्पस है। आज मैं अपने बदन पे बॉम्ब बांध के आया, उसका काम है डिस्ट्रैक्ट करना। मरने से डर मुस्तफा, मरने से डर। और उनका सिर्फ एक रोल है, वो वहां पे जा करके थोड़ा सा कुछ बोल करके, वो बोलते 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 बोलते, जो मुसलमान सच्चा हो वो देश के लिए मर तो सकता है लेकिन डर नहीं सकता।
भट गया। और उसके बाद विलन ने क्या कहा ये आप खुद ही देख लीजिए। साला जाते जाते चोट दे गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हंसी आई होगी। और अगर आगे भी आप ऐसा हमारा क्रिएशन और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब और कमेंट। चाओ।